आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के दंगल पर बोले AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतीक अशरफ की हत्या करने वालों को पुलिस ने मारा क्यों नहीं, कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। ये तमाम बड़े बयान हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या पर वारिस पठान ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा है। दंगल पर AIMIM के प्रवक्ता ने पूरी बात क्या कही आप खुद सुनिए। कि पुलिस की निगरानी में गोली चल रही है, आपका ही पत्रकार आपका ही कैमरामैन बोल रहा है कि जैसे फायरिंग हुई सब पुलिस पीछे हट गई। अरे पुलिस के पास गन था, मशीन था, मारा क्यों नहीं किसी को भी, डिजार्म क्यों नहीं किया किसी को भी, बस उठा के लेकर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? मैंने मेरी प्रैक्टिस के अंदर 22 साल की प्रैक्टिस है चित्रा जी मेरी, कभी मैंने इस तरह का क्रिमिनल केस में नहीं देखा कि आरोपी को पकड़ा हो और उसके बाद में उसका पुलिस रिमांड भी नहीं हुआ हो और सीधा उसको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया हो, कभी मैंने देखा। कुछ ना कुछ तो है रास जिसकी पर्दादारी है चित्रा जी, कुछ तो छुपाया जा रहा है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो रोज बोल रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी का गठन किया जाए जो इन्वेस्टिगेशन करे, तब जाके प्रॉपर मालूम पड़ेगा। कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जहां पर जो आई विटनेस है वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा 4 लोगों को पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए। ये सब चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना।